नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। साथ ही अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महिलाओं का प्रदेश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान है, प्रदेश सरकार उनके कल्याण के लिए समर्पित है। सीएम योगी ने कहा कि माता के समान कोई छाया, आश्रम और सुरक्षा नहीं, माता के समान इस विश्व में कोई जीवन दाता नहीं। सीएम ने इस अवसर पर कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। राष्ट्रस्य स्वनारी अस्ति नास्ति मातृ समा छाया नास्ति मातृ समा गति नास्ति मातृ समम त्राणम नास्ति मातृ समा प्रपात। यानी माता के समान कोई छाया नहीं, कोई आश्रय नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, माता के समान इस विश्व में कोई जीवनदाता नहीं, यह भारत की धारणा रही है। आज के इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं इस सभागार में उपस्थित और पूरे प्रदेश के भी सभी मातृशक्ति को और प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सब के प्रति व्यक्त करता हूं। आपको बता दें, लखनऊ के गोमती नगर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर एक खास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसी में सीएम योगी ने कई महिलाओं को मिशन शक्ति पुरस्कार दिए। इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने महिलाओं को भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के लिए चल रही सेफ सिटी परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत भी की। दूसरे चरण में प्रदेश के 12 शहरों गोरखपुर, वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली, झांसी, मुरादाबाद और सहारनपुर को शामिल किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सुबह ट्वीट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं भी दी। सीएम योगी ने ट्वीट में लिखा, प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश की प्रगति में मातृशक्ति की भागीदारी अविस्मरणीय व महत्वपूर्ण है। आइए हम मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु सम्मान अवसर पर उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित हों। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बनरिया बनरिया हिंदी के साथ।